हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजुमदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाबा। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे, जानेंगे या सीखेंगे कि हमारा जो इस प्रकार का जो होम थिएटर है, अगर इसको हम कहीं आउटडोर पे लेके जाएं पिकनिक वगैरह में, तो कैसे इससे हम गाना चला सकते हैं और किससे हम गाना का फुल एंजॉय कर सकते हैं, फुल आनंद उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से ये होगा इसको हम आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमारे पास होम थिएटर है और जिसको हम अक्सर क्या होता है पिकनिक वगैरह में ले जाना तो चाहते हैं पर नहीं बजा सकते, तो इसको आज हम ऐसा बनाएंगे कि बैटरी से कनेक्ट करके इसको हम बजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके पास कोई सा भी होम थिएटर हो, चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे टावर वाला जो म्यूजिक सिस्टम होता है, चाहे वो वाला हो, कोई वाला भी हो जो एसी से चलता हो, एसी सप्लाई पावर से, तो उसको हम डीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारा यूपीएस का जो यूपीएस बैटरी हो, चाहे 12 वोल्ट का कोई सा भी बैटरी हो, उससे हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पिकनिक या पार्टी में हम उसको ले जाके यूज हम कर सकते हैं और गाने का फुल आनंद उठा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम है, डायग्राम को एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये हमको इसी प्रकार से बनाना है। ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सप्लाई इन होगा और ये एक स्विच लगा हुआ है और एक फ्यूज, इसके बाद ये ट्रांसफार्मर होगा और उसके बाद ये जो ब्रिज डायोड है, ये मेन हमारा यहीं पास काम रहेगा और इसी को हमको ध्यान देना है। ये जो डायोड, ये जो ब्रिज डायोड जो हमने बनाया है, इस ब्रिज डायोड का ये जो कैथोड होता है, जिधर चमकीला वाला हिस्सा होगा, व्हाइट पट्टी होगा जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इधर जो है इसका व्हाइट पट्टी इधर है, इधर वाले हिस्से पे व्हाइट पट्टी है, ये देखिए। तो इधर से ये सप्लाई आउट करेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं सप्लाई आउट करेगा। तो ये जो व्हाइट पट्टी मतलब इधर वाला हिस्सा है और यहाँ से एक हमारा फिल्टर कैपेसिटर रहेगा। तो फिल्टर कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है, ये इसका जो माइनस जो आउट हो रहा है इधर से, इस माइनस पे ये रहेगा और इससे जो प्लस आउट हो रहा है, ये प्लस के इधर ये फिल्टर का प्लस पॉइंट रहेगा कैपेसिटर का। तो जो कैपेसिटर का जो प्लस पॉइंट है, यहाँ हमको डीसी का जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसका जो प्लस पॉइंट है, इसका प्लस साइड पे लगा देना है और इसका जो नेगेटिव माइनस साइड है, माइनस साइड पे बैटरी का माइनस पॉइंट को हमको लगा देना है। तो फिल्टर कैपेसिटर पे भी लगा सकते हैं। अब ब्रिज डायोड से जो सीधा सीधा आ रहा है, जो आप देख पा रहे हैं कनेक्शन, उस पर भी आप यहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ भी लगा सकते हैं, और सीधा सा फंडा है, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ पर आप लगा दीजिए फिल्टर कैपेसिटर का प्लस पॉइंट पे बैटरी का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पे माइनस पॉइंट। तो आइए अब इसका हम लगाते हैं। सबसे पहले हमको इसको ओपन कर लेना है। ये हमारा ओपन हो गया है, ये हमारा स्विच है, ये हमारा केबल इन हो रहा है, यहाँ से स्विच और ये फ्यूज, उसके बाद ये जो अंदर में ट्रांसफार्मर है वहां गया है, वहां से ये जो तीन वायर आया हुआ है सप्लाई का, यहाँ आया हुआ है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा ब्रिज डायोड है, इसका जो चमकीला वाला जो पॉइंट है आप देख पा रहे हैं, ये जो चमकीला वाला पॉइंट है इधर, ये जो चमकीला वाला पॉइंट है, इसमें हमको 12 वोल्ट लगाना है, 12 वोल्ट का प्लस सप्लाई इसमें लगाना है और इधर वाला जो पॉइंट है इस पे जो बैटरी का जो माइनस पॉइंट है वो लगाना है। तो इसको हम पलट देते हैं और ये जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर है, इसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट इस पे भी बना होगा, ये देखिए, ये जो इसका पट्टी दिख रहा है,
ये माइनस पॉइंट है और जिधर ये पट्टी नहीं है इधर ये प्लस पॉइंट है। तो ये देखिए ये जो तीन वायर आया हुआ है यहाँ से और ये इसका ब्रिज डायोड है यहाँ से यहाँ गया हुआ है ब्रिज डायोड। ये जो तीन वायर आया है प्लस ये ट्रांसफार्मर से आया हुआ है और यहाँ से ये चार ब्रिज डायोड है 1 2 3 4 और इसका ये कनेक्शन आउट हुआ है इसमें। यहाँ से देखिए दो ही आउटपुट मिल रहा है ये और ये की और ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर है। तो इसपे और ये हमारा ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर है ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से सीधा आया हुआ है ये इसपे और यहाँ से सीधा आया हुआ है इसपे। तो इसका जो माइनस और प्लस देख लेते हैं जैसे ये आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार से यहाँ लगा हुआ है इस प्रकार से। तो इसका चमकीला हिस्सा ये दिख रहा है ये प्लस पॉइंट है ये वाला और ये माइनस। तो यहाँ से एक वायर हम यहाँ से सोल्डिंग करके रेड वायर निकाल देंगे प्लस के लिए और इधर से एक माइनस। तो आइए सोल्ड कर देते हैं। ये हम दो वायर ले रहे हैं एक रेड और एक ब्लैक पहचान के लिए। कैपेसिटर का देख लेते हैं प्लस और माइनस कौन सा है। ये प्लस पॉइंट है और इसका जो माइनस पॉइंट है ये वाला माइनस पॉइंट है। ये हो गया है। इसके जगह पे मान लीजिए अगर हमारा इस प्रकार से ब्रिज डायोड होगा तो इसमें क्या है सिंपल सा है ये जो प्लस का निशान है तो इसका जो प्लस वाला ये जो निशान है और यहाँ जो माइनस दिख रहा है तो प्लस पे हम लगा देंगे 12 वोल्ट कनेक्शन और माइनस पे माइनस वाला तो हमारा और इजी तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको हम इसको पैक कर देते हैं सावधानी के साथ। इसके बाद हम स्क्रू लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये हमारे पास यूपीएस की बैटरी है इसका ये जो लाल वाला पॉइंट दिख रहा है इस पे हम केबल का लाल वाला लगाएंगे और ये जो ब्लैक दिख रहा है इस पे हम ये वाला पॉइंट को लगाएंगे। इसके जगह पे ये बैटरी जो 12 वोल्ट की यूपीएस की जो बैटरी है इसके जगह पे आप कार की जो 12 वोल्ट की बैटरी या ट्रक की जो 12 वोल्ट की बैटरी वो सब कोई सभी बैटरी आप यूज में ला सकते हैं और पिकनिक पार्टी में भरपूर आनंद उठा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसका और इसका दोनों केबल को यहाँ लगा देते हैं। इसका जो है पावर सप्लाई वाला पूरी तरीके से देखिए पूरे तरीके से ये बाहर है निकला हुआ है। तो हमको क्या करना है इसका जो ब्लैक वाला है इसको सावधानी के साथ ब्लैक का ध्यान देना है फ्रेंड हमको ब्लैक का हमेशा ब्लैक वायर माइनस जो है ब्लैक में ही लगाना है और रेड वाला रेड में ही लगाना है। अगर हम तार को उलट पुलट कर देंगे रेड को ब्लैक में ब्लैक को रेड में लगा देंगे तो हमारा होम थिएटर खराब हो जाएगा इसलिए ब्लैक को हमेशा ब्लैक में ही लगाना है और ये जो रेड है इसको हम रेड में लगाएंगे। ये हमारा लग गया फ्रेंड्स। अब ये हमारा लग गया है अब इसको हम मोबाइल में लगा देते हैं। ये देखिए ये हेडफोन दिखा रहा है लेटेस्ट गाना बजाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये चल रहा है और ये 12 वोल्ट के यूपीएस बैटरी से चल रहा है
और इसमें कोई भी सप्लाई का पावर सप्लाई का जरूरत नहीं है। आप पिकनिक पार्टी में भी आप ले जाके आउटडोर गाना का फुल मजा उठा सकते हैं। फिर से सुनिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें साउंड कम आ रहा है, साउंड बिल्कुल फुल आ रहा है, जैसा बजता है वैसे ही बजेगा। ये आपके पास कोई सा भी होम थिएटर हो, चाहे इस प्रकार से छोटा वाला हो, चाहे टावर वाला हो, चाहे जो वाला भी हो, सब में आप इस प्रकार से कनेक्शन करके आउटडोर पे बजा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से बनेगा, ये हमारा बन गया है, इसी प्रकार से बनेगा और आपको भी इसी प्रकार से बनाना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।